लेट्स स्टार्ट टुडे आवर डांस क्लास। आज तक हमने जो भी सीखा है आई थिंक सो आप प्रैक्टिस करते आए हैं, हाँ अच्छे से। जो भी मैंने लय में अड़ू जो है वो लय में भी प्रैक्टिस करना है ये भी मैंने आपको बताया है, तो आई थिंक सो आप कर रहे हो। ओके, तो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो वो पता चलेगा मुझे। लेट्स डू इट। सो नमस्कार से स्टार्ट करते हैं। डू इट नमस्कार विथ मी ऑल ऑफ यू। स्टैंड प्रॉपरली, हस्त मुद्रा ध्यान देना है, कटका मुख मुद्रा प्रॉपरली है या नहीं। ओके, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। ओके, नमस्कार तो अच्छे से आता है अभी आपको। नमस्कार श्लोक बोलते हैं, हाँ। जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज। आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्व वाङ्मयम् आहार्यम् चंद्र तारादि त्वं वंदे सात्विकम् शिवम् त्वं वंदे सात्विकम् शिवम्। रिलैक्स, गुरु श्लोका बोलते हैं। ओके, अगेन जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। रिलैक्स योरसेल्फ। देखो, जब भी हम आंखें बंद करके ब्लेसिंग लेते हैं, कोई श्लोक बोलते हैं, तो कितना ऐसे अच्छा लगता है ना, फ्रेश लगता है। तो एक डांस जो भी हम इंडियन ये क्लासिकल डांस सीखते हैं तो इसे एक टाइप का ब्लेसिंग भी रहता है जब हम ये श्लोक वगैरह बोल के हम हमारा डांस स्टार्ट करते हैं। ओके, तो एक्सरसाइज किया है सबने, आपको पता है कि आज हमारा डांस क्लास रहता है तो एक्सरसाइज करना है। ओके, याद, मैं हर आपको क्लास में पीरियड में याद करके देती हूँ, रिमाइंड करती हूँ कि हमारा क्लास जो भी मैंने पहले एक्सरसाइज आपको सिखाया है पहले पीरियड में, तो क्लास स्टार्ट होने से ही पहले आपको एक्सरसाइज करना है, फ्लेक्सिबल बॉडी थोड़ी सी करना है। ओके, सो हमने आज तक क्या 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 सीखा। ओके, सब आपको पता है, नट्टाडू मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। तो वो जो नट्टाडू है तो तीन टाइप में करना है, विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। ये जो लय है वो लय में करना है, मैंने आपको बताया था, राइट। तो आपको, आपने प्रैक्टिस किया है तो मेरे साथ अभी ये तीनों लय में नट्टाडू आपको करना है। ओके, नट्टाडू फर्स्ट वन जो है अभी मेरे साथ आप करोगे। ओके, गेट रेडी, बेंड योर नी, स्प्रेड योर हैंड्स प्रॉपरली इन पताक मुद्रा। ओके, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। तै युम त ता, तै युम ता हा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relax yourself. So, तीनों लय मैंने कैसे किया कंटिन्यूअसली आपको समझ में आया अच्छे से? ओके, तो तीनों लय में कंटिन्यूअसली मैं जब भी चेंज बोलती हूँ ना, तो याद रखना है कि हमें लय चेंज करना है. ओके, मैंने जब भी आपको मैं सिखा रही थी कि वी आर गोइंग टू डू इन विलंबित लय, वी आर गोइंग टू डू इन मध्य लय, देन आफ्टर दैट द्रुत लय, तो एक एक लय कैसे रहता है, रिदम क्या है एक एक लय का, तो आपको अच्छे से पता है. हाँ, तो इसीलिए मैं सिर्फ चेंज बोलूँगी तो आपको सडन रिमाइंड करना है कि हमें अपना लय चेंज करना है. ओके, क्योंकि आपको पता है ना विलंबित लय में कौन सा रिदम रहता है, मध्य लय में कौन सा रिदम है और द्रुत लय में कौन सा रिदम है. ओके, सो आपको कंटिन्यूअसली करना है इन विलंबित लय, मध्य लय एंड द्रुत लय. ओके, लेट्स आपको अभी फर्स्ट वन नट्टाडू का जो फर्स्ट टाइप है वो हमने किया. अभी सेकेंड टाइम मीन्स जो भी हमने किया अभी वो टू टाइम्स हम रिपीट करेंगे, राइट साइड टू टाइम्स एंड लेफ्ट साइड टू टाइम्स. ओके, सो अभी कंटिन्यूअसली करना है, मेरे साथ आपको करना है. हाँ, स्प्रेड योर हैंड्स प्रॉपरली, बेंड योर नी अगेन, लेट्स स्टार्ट. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Change. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Change. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Relax. Okay, relax yourself. समझ में आया हमने कैसे किया? ओके, तो अभी रिसेंट हमने लास्ट पीरियड में क्या सीखा था बताओ मुझे, रिमाइंड करो कि क्या सीखा था. कि पाथ भेद सीखा था हमने. पाथ भेद मीन्स व्हाट? जो पैरों के मूवमेंट्स थे वो सीखा था, राइट? तो पाद भेद आपको अभी करना है. मैं सिर्फ पाद भेद श्लोक बोलूँगी लेकिन मूवमेंट्स मैं नहीं करूँगी, क्योंकि जस्ट रिसेंटली मैंने लास्ट पीरियड में आपको पाद भेद सिखाया है, तो आपको प्रैक्टिस करना है कंटिन्यूअसली. सो मैं अभी पाद भेद श्लोक बोलूँगी लेकिन करना आपको है. इज दैट क्लियर? ओके, सो लेट्स स्टार्ट अ पाद भेद. स्टैंड प्रॉपरली. ओके, उद्घटितम समम चैव तथा. मेरे साथ एक बार श्लोक बोलो तो आपको अच्छे से रिमाइंड होगा, फिर मूवमेंट्स करना. ओके, उद्घटितम समम चैव तथा अग्रतल संचारा.
अंचिताः कुंचिताः सूचि पादशोडा प्रकीर्तिता उद्घटितं समं चैव तथा अग्रतलसंचारा अंचिताः कुंचिताः सूचि पादशोडा प्रकीर्तिता। चलो तो अभी श्लोका मेरे साथ आपने बोला है, मेरे पीछे बोला होगा, ओके? सो आपको करना है अभी, हाँ, डू इट। उद्घटितम समम चैव तथा अग्रतल संचारा अंचिताः कुंचिताः सूचि पादशोडा प्रकीर्तिता। किया आपने? अगर नहीं भी आपको आता होगा तो रिमाइंड करो कि एग्जैक्टली टीचर ने कैसे बोला था, कैसे करना है, ओके? ये आपको होमवर्क है कि आपको अच्छे से रिवाइज करना है। जो भी श्लोक में आपको मूवमेंट्स है, पैरों का मूवमेंट्स है, लेग मूवमेंट्स है, हैंड मूवमेंट्स है, जो भी मैं बता रही हूँ ना, तो उसकी प्रैक्टिस आपको रखना है। इसीलिए आपको बोल रही हूँ कि पाठ भेद अगर आपका मिस्टेक हो गया हो तो आप देखो, खुद को चेक करो, वीडियो है अपना तो आप देखो, फिर कहाँ पे हमारा गलत हो रहा है वो देखो, ओके? तो मैं अगर बताऊंगी आप देखोगे नहीं, रिवाइज नहीं करोगे कि एग्जैक्टली क्या है, तो आपको अभी ये क्लास खत्म होने के बाद देखना है कि पाठ भेद एग्जैक्टली मैम ने कैसे बताया था, ओके? सो हस्त मुद्रा सीखा है, लेट्स रिवाइज वंस। हस्त मुद्रा मेरे साथ आपको बोलना है, सिट प्रॉपरली नाउ, रिलैक्स, बैठ सकते हो नीचे, हाँ। तो अपना राइट हैंड जो है साइड में रखोगे प्रॉपरली, डू इट मुद्रा विथ मी, असंयुक्त हस्त मुद्रा, पताक त्रिपताक अर्धपताक कर्तरी मुख मयूर अर्धचंद्र अराल शुखतुंड मुष्टि शिखर कपित्य कटकामुख सूचि चंद्रकला पद्मकोश सर्पशीर्ष मृगशीर्ष सिंहमुख कांगूल अलपद्म, दैट्स इट, अलपद्म तक ही करो, ओके? वन मोर टाइम वी आर गोइंग टू डू प्रॉपरली। मेरे पीछे आपको बोलना है, अगर आपको आपने मुद्राज रिवाइज नहीं किया तो मेरे पीछे आप कंटिन्यूअसली करोगे, हाँ। से पताक त्रिपताक अर्धपताक कर्तरी मुख मयूर अर्धचंद्र अराल शुखतुंड मुष्टि शिखर कपित्य कटकामुख सूचि चंद्रकला पद्मकोश सर्पशीर्ष मृगशीर्ष सिंहमुख कांगूल अलपद्म, दैट्स इट।
होगा रिवाइज आपको कि एग्जैक्टली कैसे है. ओके, सो आज हम क्या सीखने वाले हैं न्यू, तो नट्टाड़ू का ही, नट्टाड़ू में ना अलग 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 टाइप के अड़ूज है. ओके, नट्टाड़ू के अलग अलग टाइप्स के टाइप है अलग अलग. ओके, तो उसमें से हमने टू सीखा था, फर्स्ट एंड सेकेंड. ओके, तो अभी जो इजी है फिफ्थ वन, बहुत इजी है. ओके, तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि नट्टाड़ू का जो फिफ्थ टाइप है वो आज हम सीखेंगे. ओके, तो एग्जैक्टली कैसे है नट्टाड़ू का फिफ्थ टाइप. हाँ, ये डांस में यूज होता है हमें. ओके, तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से आपको रखना बहुत ज़रूरी है. तो पहले लेग मूवमेंट्स देखते हैं कि नट्टाड़ू का फिफ्थ टाइप का लेग मूवमेंट कैसे है. हाँ, कमर पे हाथ, बेंड डाउन अगेन. ओके, अच्छे से बेंड करना है. सो अपना राइट लेग जो है ना वो आगे रखोगे ऐसे. वन, आगे मीन्स बहुत आगे ऐसे, तो बेंडिंग आपका मिस्टेक होता है. ओके, तो आप ऐसे खड़े रह रहे हो या ऐसे कर रहे, ऐसे नहीं. तो प्रॉपरली पहले बेंड करना है आपको, देन अपने थोड़े से क्रॉस में अपने पैर को रखना है. आप जहाँ पे भी खड़े हो ये आपका क्रॉस लाइन होगा, राइट? तो अपने क्रॉस में, थोड़ा सा क्रॉस में अपना लेग रखना है, राइट लेग जो है फर्स्ट. बेंड डाउन फर्स्ट प्रॉपरली, देन राइट लेग विल बी इन द क्रॉस. ओके, वन एंड टू, दैट्स इट. नाउ लेफ्ट लेग, जैसे राइट लेग क्रॉस में रखा था अपने ने, तो लेफ्ट लेग भी वैसे ही अपने क्रॉस में रखना है. देखो अपना नी कैसे है, नी का लाइन जो है आपको समझ में आता है, तो नी के लाइन में सिर्फ अपना पैर रखना है थोड़ा सा आगे. हाँ, वन एंड टू. लेकिन जब देखो, एक बात ध्यान रखना है, आपका पैर जब भी आप क्रॉस में रख रहे हो, राइट, तो बेंड, दूसरा लेग बेंडिंग में रहेगा. अब ये गलती नहीं करना है कि ये लेग स्ट्रेट है तो ये भी लेग हमने स्ट्रेट रखा. मीन्स सी हाउ इट वॉज लुक, वन एंड टू, थ्री एंड फोर, कैसे लगेगा ये. तो अपना पैर एग्जैक्टली क्रॉस में अच्छे से रखना है, तो आपको समझ में आएगा और गलती भी नहीं होगी. तो क्या है लेग मूवमेंट्स. हाँ, बेंड इट प्रॉपरली, क्रॉस योर लेग इन योर राइट साइड फर्स्ट. ओके, वन एंड टू, थ्री एंड फोर, वन एंड टू, थ्री एंड फोर, वन एंड टू, थ्री एंड फोर, वन एंड टू, थ्री एंड फोर. ओके, सो हाउ इट वॉज एग्जैक्टली, लेग मूवमेंट्स क्या है, कैसे है, आपको समझ में आया है, तो लेट्स डू विथ मी नाउ. ओके, तो अपना पैर क्रॉस में आगे जा रहा है ज़्यादा, या ज़्यादा अपने साइड में ही ऐसे रख रहे हो या क्रॉस में रख रहे हो. मैंने जैसे कहा है आपको कि आपका लेग क्रॉस में ही रहेगा, तो अपने पैरों की तरफ ध्यान देना है पहले. हाँ, क्योंकि लेग अगर मूवमेंट्स का मिस्टेक हो गया तो आपका पूरा अड़वू गलत हो जाएगा. तो लेग मूवमेंट्स, अपना पैर जब साइड में जा रहा है तो ये नी बेंड है या नहीं, अपना लेफ्ट लेग बेंड है या नहीं, जो जब लेफ्ट कर रहे थे राइट नी बेंड है या नहीं, चेक आउट योर सेल्फ. ओके, अपने आप को, खुद को चेक करना है कि मैंने पैर गलत रखा है या राइट रखा है. अगर गलत हो भी गया हो तो फर्स्ट टाइम कर रहे हो, नो प्रॉब्लम. सो अपने आप को ना करेक्शन करना है कि मैम ने इंस्ट्रक्शन क्या दिया है, अपना पैर कैसा रहना चाहिए, कि याद करना है सब कुछ, और अपने आप को, खुद को करेक्ट करना है. ओके, सो
पैरों का मेरे साथ करोगे अभी? बेंड डाउन, वन टू थ्री फोर, 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 वन टू थ्री फोर. डू इट विथ मी कंटिन्यूअसली. वन टू थ्री फोर. काउंट भी करो. वन टू थ्री फोर. ओके, रिलैक्स योरसेल्फ. तो पैर अपना कैसे रखना है? ओके, हील्स राइज करना है थोड़ा सा. कैसे हम अपना टू जैसे ऊपर करोगे, कैसे करना है आपको समझ में आया है अच्छे से? सो अभी हम देखेंगे कि बॉडी मूवमेंट कैसा है इसमें. हाँ, अभी लेग मूवमेंट देखा, बॉडी का पोस्चर कैसा है इस अड़ू में. तो क्या करना है, बस हमें नीचे झुकना है. वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर. इसीलिए मैंने बोला कि जो भी अड़ू कर रहे तो इसके पहले एक्सरसाइज करना इम्पोर्टेंट है. ओके, क्योंकि बॉडी अगर फ्लेक्सिबल नहीं हो तो नीचे नहीं झुक पाओगे ना आप अड़ू करते करते. सो वो मत भूलना एक्सरसाइज करना. ओके, सो वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर. ओके, तो ये तो इजी है आपके लिए. आ गया बॉडी मूवमेंट कैसे है. अभी हाथ के मूवमेंट्स क्या है? हाँ, हाथ के मूवमेंट्स हम कौन से मुद्राज यूज कर रहे हैं इसमें? तो हम यूज कर रहे हैं कटका मुख मुद्रा और अलपद्म मुद्रा. ओके, कटका मुख अलपद्म, कटका मुख अलपद्म. ओके, समझ में आया आपके? तो क्या कर रहे हैं हम, कटका मुख और अलपद्म मुद्रा. तो कैसे है पहले? वन टू थ्री एंड फोर, वन टू थ्री एंड फोर, वन. देखो, जब भी मेरा हैंड का पोस्चर मैं कर रही हूँ तो मेरा हाथ कैसे है, कहाँ पे है मेरा हाथ? एकदम सेंटर में. जो भी कर रहे तो यहाँ से डायरेक्टली नीचे सेंटर में, राइट? एकदम. तो मेरा हाथ यहाँ पे है? नहीं, लेफ्ट साइड में है? नहीं, बिल्कुल क्रॉस, राइट और लेफ्ट नहीं होना चाहिए अपना हाथ. अपना हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा. ओके, चाहे हमारा लेग मूवमेंट्स कुछ भी हो लेकिन हैंड मूवमेंट क्या है हमारा? वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री एंड फोर, वन टू थ्री एंड फोर, वन टू थ्री एंड फोर. ये हैंड मूवमेंट्स है. तो आपको समझ में आया कि लेग मूवमेंट क्या है, हैंड मूवमेंट क्या है और बॉडी का पोस्चर क्या है एग्जैक्टली? हाँ, सो मैं पूरा अड़ू मैं आपको अभी करके बताऊंगी, तो आपको देखना है सिर्फ. ओके, तो आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली अड़ू क्या है. तो मैं जब करने के लिए बोलूंगी तो मेरे साथ आप करोगे. बेंड प्रॉपरली. फर्स्ट वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर,
वन टू थ्री फोर, रिलैक्स योर सेल्फ। तो समझ में आया आपके कि बॉडी का पोस्चर, हाथ का पोस्चर, काउंटिंग कितने हैं? फोर काउंटिंग्स राइट साइड, फोर काउंटिंग्स लेफ्ट साइड। ओके, समझ में आया है आपके पूरा क्या है अड़ू? ओके, हम लोग जब तक हमें नहीं आता है ना, हम काउंटिंग पे ही प्रैक्टिस करेंगे। जब काउंट परफेक्ट हो जाए, अड़ू परफेक्ट हो जाए, तो हम उसका बोल भी सीखेंगे, बोल के साथ करना भी सीखेंगे। ओके, तो चलो मेरे साथ करोगे अभी प्रॉपरली। बेंड डाउन अगेन, वन टू थ्री फोर, 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 वन टू थ्री फोर। रिलैक्स योर सेल्फ, डोंट कन्फ्यूज। जब हाथ पैर हम एक साथ करते हैं अड़ू में, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। ओके, तो आपको पूरा समझ में आया है अड़ू? पहले पहले स्लो ही करो। ओके, बिल्कुल जल्दी में, अगर फास्ट में करने में ना, हमें अड़ू गलत नहीं करना है बिल्कुल, तो स्लो ही करना है पहले जब भी हम सीख रहे। तो अच्छे से आपको ये नट्टाड़ू का फिफ्थ टाइप समझ में आया है? हाँ, तो इसकी प्रैक्टिस आपको नेक्स्ट पीरियड तक अच्छे से रखना है। आपको सॉन्ग पर डांस सीखना है ना, हाँ, तो अड़ूज की प्रैक्टिस जब तक अच्छे से नहीं करोगे, अड़ूज जब तक परफेक्टली नहीं आएंगे, तो आप सॉन्ग पे डांस नहीं कर पाओगे। हाँ, क्लासिकल में अड़ूज बेसिक ही, अड़ूज परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से रखो, तो हम सॉन्ग पे डांस सीखने वाले हैं। ठीक है, समझ में आया सबको पूरा? थैंक यू।